जनपद में मतगणना ड्यूटी में लगे कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के मतगणना ड्यूटी में लगे 750 कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को आरओ एआरओ को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही बाकी कर्मचारियों को भी मंगलवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को ईवीएम मशीन से मतगणना की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह एवं सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, इस वाले रूम में माइक्रो ऑब्जर्वर बैठ जाए, मतगणना का कार्य होना है। ये आपकी सेकंड ट्रेनिंग है, आपको ये पता नहीं है कि आपकी किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंटी में ड्यूटी रहेगी। कभी कभी 24 घंटे पहले थर्ड रैंडमाइजेशन होता है, उस थर्ड रैंडमाइजेशन में जो हमारे ईसीआई के है और ये फाइनल ड्यूटी करती है, उस ड्यूटी में आपको तब पता चलता है कि आपकी काउंटी में किस टेबल पर किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी ड्यूटी लगाई गई है। 9 तारीख को आपको एक बार पुनः कष्ट उठाना पड़ेगा, पोटेंशियल होता है। नहीं, आप हम इस मैसेज को आपके मोबाइल पर नहीं भेज सकते सर, इतने सारे लोग हैं ना, मैं 30 में आएंगे। बैठिए, मैं बता रहा हूँ, बैठिए। मैं समझ गया आपकी बात जी। आप ट्रेनिंग में ड्यूटी में जब होते हैं तो काउंटिंग के लिए आपका आता है, ईसीआई आपको उसका पैसा देती है। अब उसमें टीए का ट्रेवल का नहीं रहता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपको एक मुश्त जो आपकी ड्यूटी रहती है आपको पैसा मिलता है। तो ये सुदूर इलाकों में जो विधानसभाओं के मतदाता हैं और सर्विस वोटर हैं लगाए गए हैं जथा डिफेंस इत्यादि में, तो वहां से वो जैसा कि आप 12 में अप्लाई करते हैं अपने पोस्टल बैलेट के लिए, वो भी वो लोग 12 में अप्लाई करके अपने यूनिट ऑफिसर को दे देते हैं, तो वो यूनिट ऑफिसर वहां से उस विधानसभा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन भेज देते हैं और उन जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से विभिन्न विधानसभाओं उस जिले में जितनी हैं उनके आरओज द्वारा उनको इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको भेज दिया जाता है और फिर इलेक्ट्रॉनिकली वहां से सर्च करके वो अपना पोस्टल बैलेट लिफाफे इत्यादि जो आप जानते हैं 13 ABCD, वही कार्रवाई वहां कंप्यूटर से ड्रा की जाती है। ड्रा करने के बाद वोट डाल करके जाता तो इलेक्ट्रॉनिकली है बट वापस मैनुअली बाय पोस्ट आता है, डाक से आता है। तो एक उसकी काउंटिंग होनी है, उसका उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसकी टीम अलग है, वो लोग काउंटिंग करेंगे, जानकारी के लिए बस बता दिया। और एक पोस्टल बैलेट, जैसा कि कुछ लोगों ने 12 में आवेदन विभिन्न विधानसभा जो बाहर हैं, इस गोरखपुर में नहीं है, उन लोगों ने किया था, उनको पोस्टल बैलेट भेजे जा चुके हैं, आ रहा होगा अभी वो पोस्टल बैलेट आपके काउंटिंग के दिन से पहले तक आ सकता है। तो आप खाली सुनिए हमारी बात ध्यान से, आपका आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, उसमें हमारा कोई समस्या नहीं है। जितने इस तरह के पोस्टल बैलेट आ जाते हैं और जो यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर पे पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान हुए थे, वे सब उनकी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अलग तरीके से की जाती है। और अब आते हैं आप पर, जिसके लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है। जैसा सर ने बताया कि थर्ड रैंडमाइजेशन काउंटिंग पार्टीज की जब हो जाएगी तो उसके उपरांत आप जान सकेंगे कि आपकी काउंटिंग पार्टी क्या है और उस काउंटिंग पार्टी की ड्यूटी किस विधानसभा की विभिन्न बूथों पर होने वाले मतदान की काउंटिंग करनी है। तो जैसा सर ने बताया, जो भी व्यवस्था रहेगा उसके तहत आपको या यूनिवर्सिटी गेट पर या उसके पूर्व जो भी व्यवस्था जैसा होगा वैसा आपको पता चल जाएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान जरूर रखेंगे, बगैर आइडेंटिटी कार्ड के मतगणना में जिनकी जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उनका प्रवेश यूनिवर्सिटी के अंदर सुरक्षा बल नहीं होने देंगे।
तो अपना आई कार्ड अनिवार्य रूप से अपना पास रखना ही रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेटर, मोबाइल इत्यादि लेकर के आपको अंदर नहीं जाना है। ये सारी चीजें हिदायत के तौर पे, ये यदि आप लाए हैं तो उसे कहीं व्यवस्था वहां कराई गई है वहां जमा करा दें, या उसको ना लाएं अपने पास। पहले वाले में क्या हुआ, करता मोबाइल ले जा रहे थे, बाकी हम लोग, आप हमारी बात समझिए ध्यान से, हम जो कह रहे हैं गाइडलाइन से कौन क्या लेके पहुंच जाएगा ये वो जानेगा, उसका रिस्क है। बैरिकेटिंग के बाहर रहते हैं, ठीक, आप कहां रहेंगे जहां कंट्रोल यूनिट आपके पास आ रही है? अभी हम बता रहे थे कंट्रोल यूनिट आपके चेयर पर, आपके टेबल पर आती है, वो मोबाइल लेकर अगर उनके लिए भी नॉट अलाउड नहीं है, इनकेस कोई चोरी से लेके चला गया फिर भी उनके लिए बैरिकेटिंग होती है, वो बैरिकेटिंग के बाहर होते हैं और आप अंदर होते हैं, तो आपके लिए जो स्ट्रिक्ट रूल ईसीआई ने बनाया उसको आपको फॉलो करना है। तो मिला उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं वो हम आप सबसे शेयर कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए, उससे इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। वहां पे जब पहुंचेंगे अपनी विधानसभा में, मॉर्निंग में 6 बजे पहुंचना है आपको, आपकी पहली अटेंडेंस आरओ साहब के अधीन 6 बजे होनी है, 6 बजे अपने संबंधित विधानसभा में जब पहुंचेंगे तो वहां पे विभिन्न 14 टेबल हाल है या बरामदा है जिसको हाल नुमा बनाया जा चुका है, सामने जालीदार ग्रिल लगा करके उसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है, उस हाल के अंदर आपकी पोलिंग टीम को विभिन्न 14 टेबल जो लगाए गए हैं उन्हीं पे बैठाने की तैयारी की गई है, और हाल से बाहर जो बैरिकेडिंग करके उसके दूसरी साइड में सामने ही आपसे के आपके टेबल से रिलेटेड विभिन्न राउंड में जितने बूथ की मशीनें आएंगी उनसे रिलेटेड जो काउंटिंग एजेंट्स नियुक्त किया है प्रत्याशी ने अपना, वो लोग बैठते हैं और उन्हीं के सामने आप लोग सारी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी काउंटिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें समझने की बात है कि काउंटिंग शुरू कैसा करना है। पहले हम सामान्य रूप से जो काउंटिंग है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ विशेष स्थितियां हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं आपके टेबल पर काउंटिंग के दौरान, उनकी काउंटिंग कैसे होगी, क्या नियम रूल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब सुबह 6 बजे पहुंचेंगे आपको वहां पता चल जाएगा कि आपके काउंटिंग पार्टी का किस टेबल पर ड्यूटी लगाई गई है, आपकी पूरी वो टीम उसी मेज पर काम करेगी। मैं मनोज कुमार गुप्ता, DLMT गोरखपुर। यहाँ पे विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद गोरखपुर के विभिन्न 9 विधानसभाओं के मतदान 3 मार्च 2022 को हो चुके हैं, उस मतदान का रिजल्ट 10 मार्च 2022 को आना है, उसी के तारतम्य में आज काउंटिंग जो कार्मिक लगे हैं काउंटिंग पर्सनल्स उनकी ट्रेनिंग दी गई। काउंटिंग के दौरान उनको पूरे व्यवस्था के बारे में बताया गया कि विधानसभा में अपने पहुँचेंगे तो वहाँ पे 14 टेबल लगाए गए होंगे जहाँ पर पूरी EVMs की काउंटिंग एक विधानसभा की राउंड वार होगी विभिन्न 14 टेबल पर। प्रत्येक राउंड में उनके टेबल पर विभिन्न बूथों की EVM आएंगी, EVM का कंट्रोल यूनिट के जरिए वो लोग काउंटिंग करेंगे, जथा आवश्यक VVPAT की भी शाम को काउंटिंग, जथा निर्देश है भारत निर्वाचन आयोग का कि हर विधानसभा की रैंडमली सिलेक्टेड 5 बूथों के VVPAT की काउंटिंग भी, सब जब सारी इस कंट्रोल यूनिट की EVM की काउंटिंग हो जाती है तो लास्ट में VVPAT से 5 बूथों के VVPAT आते हैं और उनकी काउंटिंग की जाती है। इसमें जो टोली बनाई गई है वो हर टेबल पर 4 लोगों की है, एक काउंटिंग सुपरवाइजर हैं, 2 काउंटिंग असिस्टेंट और 1 काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में लगाए गए हैं। इस प्रकार से हर टेबल पर 4 सदस्यों की टीम है जो काउंटिंग की प्रक्रिया को माइक्रो ऑब्जर्वर के देख रेख में, मतलब उनकी निगरानी वहाँ पे होगी, वो अपने ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं और बाकी सारे लोग आरओ के अधीन होकर के और आरओ के निर्देशानुसार काउंटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, DPDO गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद की 9 विधानसभाओं की मतगणना 10 मार्च को होगी
उनके जो मतगणना कार्मिक नियुक्त किए गए हैं उनका प्रशिक्षण योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह में चल रहा है इस समय। सर क्या क्या जानकारी? इनको जानकारी दी जा रही है कि जो हमारी ईवीएम मशीन होगी उससे इनको कैसे गणना करनी है और अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको कैसे टैकल करना होगा। सर आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्या है? ये जो हमारी 10 तारीख को विधानसभा 2022 के जो इलेक्शन हुए उसकी काउंटिंग पर्सनल्स को दिया जा रहा है। इसमें 750 काउंटिंग पर्सनल 9 विधानसभाओं के लिए आज ट्रेन किए जा रहे हैं। इसके अलावा कल आरओस एआरओस की भी ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है और उसके साथ साथ हम लोग जो बाकी स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग परसों तक कम्प्लीट करा लेंगे।